नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HP अमित एजुकेशन में। आज से जो हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं वो भी शुरू होने वाली हैं, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर हम जो भी वीडियो लेके आएँ उसकी अपडेट आपको मिल सके। हम स्पेशली बात कर रहे हैं TCET आर्ट्स कमीशन और जो स्टैटिकल फील्ड से हैं उनको जो है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस करवा पाएँ और साथ में जो बेसिक रहेगा उसको भी जो हम आपको बता पाएँ। साथ में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके की क्लासेस चाहते हैं, आप अधिक से अधिक कमेंट करें, हम चैप्टर वाइज पढ़ाएं या फिर जो क्वेश्चन सेंट है उसी के थ्रू जो है आपको बेसिक पढ़ा के जो है हम वीडियो बनाएं, तो आप जो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत जो बेसिक है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या होता है। अर्थशास्त्र को हम बेसिकली बोलते हैं कि ये मनुष्य की धन से संबंधित क्रियाओं का जो है वो अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र को जो है इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये जो है ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा से बना है और हम इसे हिंदी में बात करें तो इसे जो है गृह प्रबंध जो है वो कहते हैं। मार्केट में जो अधिकतर बुक्स होती हैं वो अर्थव्यवस्था की होती हैं, इकोनॉमी की होती हैं, बट जो इकोनॉमी है वो अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। मींस जो अर्थशास्त्र है वो एक बड़ा शब्द है और जो इकोनॉमी है वो उसका एक व्यवहारिक पार्ट है। तो हमें अधिकतर बुक्स जो हैं वो इकोनॉमी की देखने को मिलती हैं, बट आजकल हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन जो है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो अधिकतर पूछ रहा है। अर्थशास्त्र को जो हम थोड़ा सा और इलेबरेट कर लेते हैं। अर्थशास्त्र को जो है बेसिकली हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और एक जो है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो व्यक्तिगत उद्योग हैं, जो व्यक्तिगत फर्म हैं, हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये एक बड़ा शब्द है, इसमें जो सामूहिक आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। थोड़ा और इलेबरेट करते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जितने भी उद्योग जो इकाइयां होती हैं उनको जो इसमें शामिल किया जाता है। इसमें जो कीमत का नियंत्रण है वो एक व्यक्तिगत उद्योग के ऊपर होता है, तो जो हम इसे कीमत का सिद्धांत भी बोलते हैं। बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टिगत अर्थशास्त्र है, इसमें जो पूर्ण रोजगार है, पूर्ण मांग है, सामूहिक आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, तो इसे जो है हम आय और रोजगार का सिद्धांत भी बोलते हैं। आगे इनसे संबंधित जो भी बातें रहेंगी उनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से जो है इलेबरेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तीन ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए हैं, तीनों ही जो है ये अर्थशास्त्री हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इन दोनों ने किए हैं। जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं वो एडम स्मिथ हैं। इन्होंने 1776 ईस्वी में 1776 में एक बुक प्रकाशित करी थी जिसे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशन कहते हैं। हम बोल सकते हैं, आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि इन्होंने जो धन से संबंधित परिभाषा है, वेल्थ डेफिनेशन है, वो इन्होंने दी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो दूसरी है वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो है डॉक्टर मार्शल ने 1890 ईस्वी में प्रकाशित करी थी। इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स की जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है वो दी थी। हम बोल सकते हैं कि जो भौतिक कल्याण की संबंधित परिभाषाएं हैं वो डॉक्टर मार्शल ने इकोनॉमिक्स से संबंधित दी हैं। दो और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, टोटल मिलाकर ये चार डेफिनेशन बनती हैं। तीसरी जो डेफिनेशन है वो रॉबिन्स ने दी है, ये भी एक फेमस अर्थशास्त्री है। इन्होंने 1932 ईस्वी में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में जो है एक डेफिनेशन दी है जिसे दुर्बलता संबंधी परिभाषा कहते हैं। स्केसिटी डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्स ने दी है। नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास केंद्रित परिभाषा। ये परिभाषा जो है कुछ नोबेल प्राइज विजेता जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने दी है। कई बार जो है अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग अर्थशास्त्री का नाम पूछ लेते हैं, ये प्रोफेसर सैमुएलसन, पीटरसन और फर्गुसन ने जो है ये डेफिनेशन दी है। इन डेफिनेशंस में इन अर्थशास्त्रियों ने एक दूसरे की आलोचना भी करी है और काफ़ी डिटेल में बातें कही हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे ताकि आप इसमें जो है कन्फ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को दो भागों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसने विभाजित किया था। तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, पहले भी मैंने ये तीन ही नाम दिए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रैग्नर फ्रिश।
रैग्नर फिश ने ही जो है अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। रैग्नर फिश जो है ये नॉर्वे के एक फेमस अर्थशास्त्री थे और एडम स्मिथ जो है ये स्कॉटलैंड से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि भारतीय जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी भी है और ये साम्यवादी भी है, मतलब कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और ये इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये बेसिकली अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी का मतलब होता है कि जिसमें जो कंपनीज और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, और जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है जैसे हम बात करें चाइना की इकोनॉमी, तो वो जो है एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसका कंट्रोल जो है वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर होता है। तभी जो हम देखते हैं कि जो चाइना है उसकी कोई खबर हमें जो है जो एग्जैक्ट होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का उनके ऊपर वहाँ पर होता है। और जो ये थर्ड बंद इकोनॉमी है ये हम बोल सकते हैं कि इसका जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जैसे हम बात करें नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है ये सिर्फ अपने देश में ही व्यापार करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अदर कंट्रीज के साथ जो इसका बिल्कुल ना के बराबर जो है रिलेशन होता है। जो भी इकोनॉमी जनरेट होती है वो सिर्फ अपने देश में ही जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप जो है इसी से रिलेट कर सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, जो मिक्स इकोनॉमी है उसका क्या मतलब है? तो तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, आप यहां पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जो मिक्स इकोनॉमी है वो कैपिटल और जो सोशल इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है। हम इजी टू हार्ड मोड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप बेसिक समझते हुए जो है आगे हार्ड क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ ये किसका कथन है? ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। जो धन से संबंधित परिभाषाएं हैं वो एडम स्मिथ ने जो है इसमें दी हैं, रॉबिन्सन ने जो है दुर्बलता संबंधित परिभाषाएं दी हैं, और जो डॉक्टर मार्शल हैं उन्होंने भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषाएं दी हैं। आज हमने थोड़ी बेसिक देखा है, मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि टीजीटी आस्क मिशन के लिए जो हमने हैंड रिटन कोर्स तैयार किया है उसमें जो है ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अभी तक हमने इसमें 50% ऑफ रखा है, 250 जो है इसमें आप अभी तक इसमें मिनिमम चार्जेस रखे हैं, तो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो HP GK है उसको भी हमने चैप्टर वाइज कवर किया है हिंदी मीडियम में जो अभी तक ये अवेलेबल हैं। साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस भी तरीके से टीजीटी आस्क मिशन की तैयारी कर रहे हैं ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी आपकी हेल्प उसमें करेंगे। जो भी आप बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये भी जो नोट्स हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो अगर आप में से कोई परचेज करना चाहता है तो वो परचेज कर सकता है। HP GK की बात हम कर रहे थे तो HP GK में चैप्टर वाइज आपको चैप्टर काफ़ी मिल जाएंगे, साथ में जो 2020 और 21 के HP GK डिफरेंट पोस्ट कोड में आए हैं वो भी जो आपको उसमें साथ में मिलेगा। साथ में हम हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उनको काफ़ी डिटेल में जो है उसमें कवर किया गया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो परचेज कर सकते हैं। अभी जो व्हाट्सअप रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है और जो अदर पोस्ट कोड हैं उनमें भी जो है ये GK हेल्प करेगा। व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें भी हम काफ़ी जो नोट्स हैं वो आगे ट्रिक्स होंगे, MCQs होंगे, उनको भी जो है उसमें आगे शामिल करेंगे। साथ में जो हमारे इकोनॉमिक्स की क्लासेस होंगी और जो HP GK की क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जो उसका लिंक साथ में चलेगा, तो अगर आप में से कोई डेमो चाहता है तो भी वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगा। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो हैं इसी तरीके की चाहिए या फिर जो है थोड़ा इसमें चेंजिंग चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेचैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।